बरेली में स्मैक तस्कर शराफत हुसैन पर बड़ा एक्शन ले लिया गया है। पुलिस ने उसकी करीब 1,31,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। साथ ही प्रशासन ने नोटिस भी चस्पा कर दिया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में स्मैक तस्कर शराफत हुसैन के 2 मंजिला और 5 मंजिला मकान के अलावा उसके शोरूम पर भी ताला जड़ दिया गया है। बता दें कि मीरगंज पुलिस ने पिछले दिनों शराफत हुसैन की 1,31,627 रुपए की संपत्ति चिन्हित कर जब्त करने के लिए डीएम को प्रस्ताव भेजा था, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद अफसरों ने ये कार्रवाई की है, जिसके चलते बुधवार दोपहर मीरगंज एसडीएम राजीव शुक्ला, थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह, फतेहगंज पश्चिमी थाना प्रभारी ललित मोहन की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन की टीम फतेहगंज पश्चिमी मोहल्ला सराय वार्ड नंबर 12 में पहुंची। यहां स्मैक तस्कर शराफत हुसैन की सब्जी मंडी चौक में सड़क के पास बने शोरूम और उसके 5 मंजिला आलिशान मकान को सीज कर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसके अलावा उसके 2 मंजिला मकान को भी सीज कर दिया गया है। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाते हुए उसकी संपत्ति पर ताला जड़ा गया। बता दें कि गैंगस्टर स्मैक तस्कर शराफत हुसैन पर फतेहगंज पश्चिमी थाने में एनडीपीएस के 9 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने बताया है कि शराफत हुसैन फतेहगंज पश्चिम का बड़ा स्मैक तस्कर है। उसके खिलाफ मीरगंज और फतेहगंज पश्चिमी समेत अन्य थानों में उसके खिलाफ मादक पदार्थों की स्मैक तस्करी समेत 9 मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले भी पुलिस फतेहगंज पश्चिमी के स्मैक तस्करों की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।